अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग चैप्टर लहू और कलीन पढ़ेंगे। ये मिर्जा अदीब का एक ड्रामा है। ये एक संजीदा ड्रामा है। पहले आपने से पहले आराम और सुकून सबक पढ़ा था, वो मजाहिया ड्रामा था। ये संजीदा ड्रामा है और इसमें मिर्जा देव 1914 में पैदा हुए और 1999 में इन्होंने वफात पाई। मिर्जा अदीब का असली नाम दिलावर अली और कलमी नाम मिर्जा अदीब है। 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल बाटी गेट से मैट्रिक करने के बाद इन्होंने 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से बीए ऑनर्स किया। मिर्जा अदीब की अदबी जिंदगी का आगाज 1936 से हुआ। इसी जमाने में इस्लामिया कॉलेज लाहौर में बहुत सी इल्मी और अदबी शख्सियतें मौजूद थी जिन्होंने मिर्जा की अदबी जोक को परवान चढ़ाने में मावनत की। परवान चढ़ाना तरक्की देने में, मावनत मदद की। मिर्जा अदीब ने इब्तदा में शेर व शायरी की तरफ तवज्जो दी मगर जल्दी से तर्क करके छोड़कर अफसाना निगारी यानी ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी की तरफ आ गए। इन्होंने 1935 में रिजाला रिसाला अदब लतीफ की इदारा संभाली और तवील अरसे तक इससे वाबस्ता रहे। फिर रेडियो पाकिस्तान में मुलाजिम हो गए। मिर्जा अदीब यक बाबी और रडाई ड्रामा निगारी में अहम मकाम रखते हैं। यक बाबी एक ही बाप का, रडाई बेतार का पैगाम। ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। तकसीम हिंद के बाद उर्दू अदब में यक बाबी ड्रामे को जो फरोग मिला, तरक्की मिली, इसमें मिर्जा अदीब ने अहम किरदार अदा किया। वो माशरे के नब्ज शनास थे। नब्ज शनास लोगों के रवैयों से वाकिफ। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कर लें। वो माशरे के नब्ज शनास थे, इसलिए इनके ड्रामों के मौजूआत आम और रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक हैं। अपने माशरे के इंसानी ख्वाहिशात और तवक्कुआत को मिर्जा अदीब ने खास अहमियत दी। मिर्जा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत, अनमोल कीमती बसीरत दनाई और फनकाराना ग्रिफ से काम लिया। इन्होंने जिंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया। इनके मुकालमे नहायत बर्जस्ता, मुख्तसर और बरमेल होते हैं। इस लाइन को भी बेटा आप अंडरलाइन करें। बरमेल मौका के मुताबिक, यही वजह है कि इनके ड्रामों में कारी या नाजिर की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती है। कारी पढ़ने वाला, नाजिर देखने वाला। कारी पढ़ने वाला, नाजिर देखने वाला, जो किसी कामयाब ड्रामा नगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। इनके ड्रामों के अहम मजमुओं के नाम ये हैं: आंसू और सितारे, लहू और कलीम, सतून, फसीले शब, खाक नशीं, पसे पर्दा, शीशे की दीवार। इसके अलावा सेहरा नूर्द के खतूत, सेहरा नूर्द के रुमान और मट्टी का दिया, ये इनकी आप बीती है, इनकी जिंदा रहने वाली किताबें हैं। बेटा मिर्जा अदीब ने ये ड्रामा जो है ये माशरे में मौजूद रियाकार लोगों और उनके किरदार से वाकिफ कराने के लिए लिखा है कि कुछ लोग माशरे में धोखेबाज होते हैं, रियाकार होते हैं, वो दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। उनकी असलियत कुछ होती है और वो जाहिर कुछ करते हैं, उनके जाहिर और बातिन में फर्क होता है। इस ड्रामे में चार किरदार हैं जो आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि इस ड्रामे में कुल कितने किरदार हैं। तो बेटा ये बाबा नौकर है, तजम्मल एक सरमादार है, ये आपके एमसीक्यू भी हैं। अख्तर मुसव्विर तस्वीर बनाने वाला, रऊफ तजम्मल का प्राइवेट सेक्रेटरी है। अब ड्रामे से पहले जो मंजर सामने नजर आता है, सरदार तजम्मल
बेटा इसमें जो कहानी चल रही है वो कुछ इस तरह से है कि सरदार तजम्मल जो है एक बहुत बड़ा सरमायादार है, अख्तर तस्वीर बनाने वाला मुसव्वर है, अख्तर बहुत ज्यादा गरीब होता है और तजम्मल एक सरमायादार है बहुत अमीर आदमी होता है। एक दफा तस्वीरों की नुमाइश में तजम्मल की मुलाकात अख्तर से हो जाती है। वो उस पर तरस खाकर उसे अपने घर ले आता है, उसको रहने के लिए कमरा और उसको स्टूडियो के तौर पर देता है। कमरा उसने बहुत ज्यादा सजाया होता है, उसकी अंदर उसकी जरूरत का तमाम सामान रखवा देता है और अख्तर से ये कहता है कि तुम यहाँ बैठकर तस्वीरें बनाया करो और मैं तुम्हारी तस्वीरें शहर के अमीर लोग जो है, बाइज्जत लोग जो है, उनमें वो मुझसे खरीद लिया करेंगे। इस तरह तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और मेरी शोहरत भी हो जाएगी। ये सब कुछ वो अपनी शोहरत के लिए करता है, यानी कि उसको इस गरीब आदमी से कोई इतना लगाव नहीं होता। यहाँ पर मुसन्निफ ने माशरे की मुनाफ़त को बेनकाब किया है, यानी कि इस तरह के जो रियाकार लोग होते हैं जो सिर्फ अपने शोहरत के लिए और अपने फायदे के लिए दूसरों की मदद करते हैं, इस चीज को नुमाया किया है। तो यहाँ पे तजम्मल जो है सिर्फ उसका मकसद शोहरत हासिल करना होता है कि वो किस तरह गरीब को अपने घर में उसने पनाह दी हुई है, उसकी मदद कर रहा है, वो तस्वीरें बनाता रहता है और तजम्मल उसकी तस्वीरें लोगों में इसी तरह से नुमाइश में पेश करता रहता है। इस तरह से वक्त गुजर जाता है और एक मरतबा अख्तर की बनाई हुई तस्वीर को अव्वल इनाम मिलता है। तो तजम्मल उसे ये बताने के लिए, खुशी की खबर बताने के लिए वो अपने पास बुलाता है, तो अख्तर नहीं आता क्योंकि वो खबर वो पहले ही अखबार में पढ़ चुका होता है। अख्तर का एक दोस्त होता है जो वो भी यानी के तस्वीरें बनाने का काम करता है, तो वो भी एक जरूरतमंद होता है। तो जब अख्तर उसे कहता है कि मैं कुछ दिनों के बाद ना तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, तो उसको बहुत ज्यादा तजम्मल को दुख होता है कि ये क्या बात है, तुम क्यों जाना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं इतने साल जो तुम्हारे पास रहा हूँ और जिस तस्वीर को अव्वल इनाम मिला है वो मेरी नहीं है, मेरे एक दोस्त की बनाई हुई है, उसका नाम नियाजी है, तो वो जरूरतमंद था। इस तरह उन दोनों में बहस होती है और तजम्मल उसे रोकना चाहता है लेकिन अख्तर वहां से चले जाना चाहता है। और इतने में उसका सेक्रेटरी रऊफ आता है जो बताता है कि नियाजी ने खुदकशी कर ली है। तो अख्तर कहता है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है क्योंकि वो अव्वल इनाम का हकदार तो वो है और उसने ये सुनकर खुदकशी कर ली है, क्योंकि कोई भी जो मुसव्वर होता है, जो एक फनकार होता है, उसकी बनाई हुई जो भी चीज होती है उसे अपनी औलाद की तरह अजीज होती है। कोई भी अपनी औलाद को जरूरत के तहत बेचता नहीं है, तो ये सब आपकी वजह से उसने यानी कि खुदकशी की है। तो तजम्मल कहते हैं तुम पागल हो गए हो, ये कैसी बातें कर रहे हो। इस तरह दोनों में बहस होती है और अख्तर जो है उसको तजम्मल का सेक्रेटरी जो है धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। बेटा आप खुलासा पढ़ेंगे तो आपको सारी स्टोरी और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। चैप्टर को आपने एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, हर लाइन को एमसीक्यू समझ कर पढ़ना है, तमाम अल्फाज मानी एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर, खुलासा आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, वहां से देखकर अपनी अच्छी तरह याद करने। अभी मैं आपको इसके कुछ पैराग्राफ जो हैं वो आपको समझाने लगी हूँ, जो आपने नसर पारे की तशरीह के लिए उनके मानी भी अच्छी तरह याद करने और इनको लिखना भी है, आपने लिखकर प्रैक्टिस करनी है जो कि बहुत जरूरी है। इसकी ये फर्स्ट 3 लाइंस पहले पैराग्राफ की, फर्स्ट सॉरी 4 लाइंस, ये यहाँ तक सादा और साफ है तक। सरदार तजम्मल हुसैन की कोठी, अल निशात, अल निशात के मानी आप लिखेंगे कोठी का नाम, एक वसी बड़ा खुला कमरा है। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। नहायत आला आला उम्दा फर्नीचर से आरास्ता, आरास्ता सजा हुआ, आरास्ता सजा हुआ, फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्वरों के शाहकार, मुसव्वर तस्वीर बनाने वाले, शाहकार बहुत बड़ा कारनामा। एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफा सेट और कुर्सियां, शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों अलमारियों में मुजिल्द किताबें, मुजिल्द जिल्द की हुई, मुजिल्द जिल्द की हुई,
कार्नेस और तपाइयों के ऊपर तरोताजा फूल। बेटा आप लोगों को जो क्वेश्चन करने होंगे लास्ट में, अभी बेटा सिर्फ लेक्चर होगा, क्वेश्चन आप बाद में करेंगे। जो भी ये हैंड रेस किया हुआ है हैंड डाउन कर लें। कार्नेस अंगीठी, तपाइयां छोटा मेज, तपाइयां छोटा मेज के ऊपर तरोताजा ताजे फूलों से मजयन सजे हुए गुलदान, फूल रखने की जगह, खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त्र दरमियान में, एजल पर कैनवस, एजल फ्रेम कैनवस, वलाइती टाट जिस पर तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, जो अभी तक सादा और साफ है। बेटा इसमें आप बताएंगे कि सरदार तजमल हुसैन ने अख्तर को जो कमरा दिया हुआ था उसके बारे में मुसनिफ लिखते हुए कहते हैं, आगे आपने तमाम कमरे का नक्शा जिस तरह इसमें बताया हुआ है कि कहाँ पर क्या चीज कैसे रखी हुई थी, ये पूरे कमरे का मंजर लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि वो कमरा कैसा था, उसमें क्या क्या सामान किस किस तरह रखा हुआ था, ये सारी चीजें इसमें हर लाइन में आपको, जैसे तजमल की उम्र कितनी थी, 40 और 45 के दरमियान, ये भी आपका एमसीक्यू है। बेटा ये सेकंड पेज है, यहाँ से ये पैराग्राफ जो है बेहतर है, बाबा कमरे से निकल जाता है, तजमल आगे बढ़कर कैनवस वलाइती टाट को देखने लगता है जिस पर तस्वीर बनाते हैं, अख्तर आता है और उधेड़ उम्र का शख्स है, उधेड़ उम्र दरमियानी उम्र का, ना बूढ़ा ना नौजवान, सर के बाल बिखरे हुए फैले हुए इधर उधर हुए हुए, आंखें शबे बेदारी की वजह से, शबे बेदारी रात बार जागने की वजह से सुर्ख लाल, लिबास पजामा और कमीज, आस्तीने चढ़े हुए, आस्तीने बाजू, आंखों के गिर्द हल्के दायरे ज्यादा नुमाया। यहां तक आपने बेटा इसकी नसर पारे की तशरी करनी है। इसमें आपने बताना है कि बाबा जब अपने कमरे से निकलकर अख्तर के पास जाता है और अख्तर बाहर जब टेल रहा होता है तो उसका हुलिया कैसा होता है, यानी कि मुसनिफ उसके हुलिये के बारे में लिखता है कि अख्तर एक उदेड़ उम्र का दरमियानी उम्र का शख्स है और परेशानी की वजह से उसके सर के बाल बिखरे हुए होते हैं, रात बार जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही होती हैं, और उसने लिबास जो पहना होता है वो पजामा और कमीज है, और कमीज के बाजू उसने ऊपर चढ़ाए हुए होते हैं, और रात भर जागने और परेशानी की वजह से उसकी आंखों के आगे हल्के पड़े हुए हैं। इस तरह से आपने बेटा तशरी करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने तशरी करनी है पेज नंबर 2, ये पैराग्राफ जो है अभी तक इसे आप एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, नॉर्मल ठीक, अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं, आप इसका दूसरा रुख देखिए जो इतना भयानक डरावना और इतना खौफनाक है, इतना डरावना खौफनाक है, इसके मानी और इसके ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं, और भयानक डरावना खौफनाक डरावना आपके तसव्वुरात का तसव्वुरात। अहमद सजाद बेटा अपना कैमरा ऑफ करें। तसव्वुरात का शीश महल, तसव्वुरात ख्यालात, शीश महल शीशे से बना हुआ घर अभी गिर जाएगा।
जमीन बोस हो जाएगा, जमीन बोस होना गिर जाना, जमीन बोस होना गिर जाना। गुज़श्ता 1.5 बरस में जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं। रुख पहलू, बेटा इसमें आपने तशरीह करते हुए ये बताना है कि तजम्मल जब उस अख्तर को रोकना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि तुम्हें पहला इनाम मिला है और तुम ये क्या फैसला कर रहे हो कि तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओगे, तो अख्तर आगे से उसे समझाता है कि आप अभी तक इस बात को मजाक समझ रहे हैं और मुझे पागल कह रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक हूँ। अभी तक आप यानी एक ही तरफ सोच रहे हैं, आप दूसरे पहलू से भी सोचें, आपको समझ आएगी कि ये जो आप जिस तरह के ख्यालात रखते हैं ये कितने भयानक और खौफनाक हैं, और आपके तसव्वुरात जो ख्यालात हैं उनका जो आपने अपने दिमाग में शीश में तैयार किया हुआ है वो जमीन बोस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि 1.5-2 साल के दरमियान जितनी भी तस्वीरें इस महल से बाहर गई हैं, आपके घर से बाहर गई हैं, वो उनमें से एक भी मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो परेशान था। वो तस्वीरें अख्तर का दोस्त नियाजी बनाता था। ये आपने बेटा इस पैराग्राफ की तशरीह करनी है। बेटा टाइम पे आप लोग क्लास में आया करें, ये पागलपन नहीं तो और क्या है? आखिर गुज़श्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो, इस दौरान तुमने कई तस्वीरें बनाई हैं जो शहर के मोज़ज़ लोगों की कोठियों में अवेजा हैं, मोज़ज़ इज्जतदार अवेजा लगी हुई लटकी हुई। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन तोहफे के तौर पर अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक है, फन पारा, तख्लीक फन पारा। लेकिन आज तुम कह रहे हो इनमें से एक भी मेरी नहीं, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? यहाँ से ये पागलपन नहीं तो और क्या है? यहाँ से लेकर क्या कहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट आपने लगानी है और इसकी तशरीह करनी है कि अख्तर जब ये बताता है कि मैं चला जाऊंगा तो तजम्मल उसे समझाता है कि ये तुम किस तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं होगे? तुम 2 साल से मेरे मेहमान हो, तुमने तस्वीरें बनाते रहे हो, और जो आज बहुत सारे मोजेज लोगों ने मुझसे वो तस्वीरें ली उनके घरों में लगी हुई हैं, और बहुत सारे लोगों को मैंने ये तस्वीरें तोहफे के तौर पर भी दी हैं, वो सब तुमने खुद बनाई हुई हैं, तुम्हारे अपने फन पारे हैं। आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कि और ये कह रहे हो कि इनमें से एक भी मेरी नहीं? इस तरह की बातें कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा? यानी उसको अपनी शोहरत की फिक्र होती है, क्योंकि उसने अख्तर को अपने घर में एक मुसव्वर के तौर पर रखा होता है, और लोगों को यही पता होता है कि अख्तर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन वो परेशानी में तस्वीरें नहीं बना पाता। यहां से बेटा फिर आपने नसर पारे की तशरीह करनी है, ये बहुत दफा बोर्ड में आ चुका हुआ है। ये कोई मौमा नहीं है, मौमा पोशीदा बात, छुपी हुई बात, पहेली। ये कोई मौमा नहीं है, मौमा छुपी हुई बात, पोशीदा बात, पहेली। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले मैं एक तंगो तारीक गली के, तंग छोटी तारीक अंधेरे वाली गली के खस्ता पुराने और बदनमा मकान में रहता था। बदनमा बदसूरत, बदनमा बदसूरत, खस्ता पुराना, खस्ता पुराना। बहुत कम लोग मुझे जानते थे, और जो जानते थे इन्हें मेरे मुतालिक सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस गरीब, कलाश मुफलिस, ये दोनों हम मानी अल्फाज हैं बेटा, इन दोनों के मानी एक ही है, मुफलिस गरीब, कलाश मुफलिस गरीब और गुमनाम मुसव्विर हूं। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, गुमनाम लापता पोशीदा छुपा हुआ, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों कबाड़ियों पुरानी चीजों की खरीदो फरोख्त करने वाला, या नीलाम घरों में पहुंच कर कोड़ियों के भाव बिक चुकी थी, कोड़ियों सस्ते दामों, कोड़ियों के भाव सस्ते दामों बिक चुकी थी,
यहां तक आपने इसको मार्क करना है नसर पारे को, ये कोई मोमा नहीं है यहां से लेकर। और इसमें आपने बताना है कि जब तजम्मल उसको उसकी परेशानी की वजह पूछता है और उसको रोकना चाहता है और उसको उसकी असलियत बताता है कि पहले तुम क्या थे और आज मेरे घर में आके तुम क्या बन गए हो, तो आगे से अख्तर उसे बताता है कि ये बात छुपी हुई नहीं थी, पोशीदा नहीं थी, ये सब लोग जानते थे कि मैं एक गरीब मुसव्विर हूँ और मैं एक पुराने से घर में एक तंग सी गली में मेरा घर था जहां मैं रहता था, तो और लोग मेरे बारे में नहीं जानते थे, ये ज्यादा लोगों में मेरी शोहरत नहीं थी, मेरे बारे में लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि मैं गरीब और मुफलिस मुसव्विर हूँ। मैंने बहुत सारी तस्वीरें बनाई थी लेकिन वो तमाम तस्वीरें कबाड़ियों या नलाम घरों में बहुत सस्ते दामों बिक चुकी हैं। आपने यहाँ तक बेटा तशरीह करनी है। इसके बाद सेकंड पेज पे आए, इसमें आपने जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाजों पर, यहां से आपने दोबारा इसकी करनी है नसर पारे की तशरीह के लिए मार्क करना है, दरवाजों पर इंसानी पेकरों को, इंसानी पेकर मुजस्मों, इंसानी मुजस्मों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर, शफाफ साफ लिबास पहनाकर इन अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इनके असीन और जमील खूबसूरत मुजस्मों को देखकर, मुजस्मा बुत को देखकर दुकानदारों के आला जोक शोक और इनकी शान शौकत से मरूब हो जाएं, शान शौकत रोब शान मुतासर हो सकें, रोब में आना मुतासर हो रोब में आए। इसी तरह आप भी अपनी इमारत अमीरी दौलतमंदी और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी जात और मेरे फन को इस्तेमाल कर रहे थे। यानी यहाँ पर अख्तर तजम्मल को ये बताता है कि जिस तरह एक दुकानदार जो होता है अपने दुकान में इंसानी मुजस्मों को खूबसूरत लिबास पहना कर खड़ा करता है और जो खरीदने वाले होते हैं जब वो उनको देखते हैं तो वो उनके रोब में आते हैं, उन्हें वो सब लिबास अच्छे लगते हैं, इसी तरह से आपने भी मुझे एक इंसानी मुजस्मे के तौर पर इस्तेमाल किया है। यानी मेरी अपनी जात की कोई अहमियत नहीं छोड़ी, शोहरत आपकी हो रही है और काम मैं कर रहा हूँ, और इस तरह से आपने मेरे साथ बहुत ज्यादा बड़ा जुल्म किया है, ज्यादती की है। बेटा इसके बाद ये अगला पैराग्राफ है, यहाँ ये फर्स्ट थ्री लाइंस, और आप कह भी क्या सकते हैं मगर बुलंद आवाज से हकीकत नहीं बदल सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत थी और जिस वक्त मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी एहलियतों सलाहियतों पर बर्फ की तेज जम गई थी, मुराद मेरी सलाहियतें खत्म हो गई थी, मेरे सीने में एक भी शरारा चिंगारी बाकी नहीं रहा, यानी कोई जज्बा नहीं रहा। ये एहसास मेरे लिए सुहाने रूह साबित हुआ, रूह को जख्मी करने वाला, सुहाने रूह रूह को दुख देने वाला। नागवार लगा रूह को दुख देने वाला साबित हो रहा, और अपने जिगर का खून दे देकर, जिगर का खून मेहनत कर करके मैंने फन की जिस शमा को अब तक रोशन रखा है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं। यहां तक बेटा आपने इसकी तशरीह करनी है, इसको मार्क करें, इसके मीनिंग देखें और तमाम लाइंस को एमसीक्यू के लिए लाजमी तैयार करें। आप कोई भी दो तीन नसर पारे इनमें से अपनी मर्जी से उनकी तशरीह कर सकते हैं, और आपने नसर पारे की तशरीह से पहले जो पैराग्राफ लिखना है उसमें आपने ये बताना है कि ये नसर पारा सबक लहू और कलीन से लिया गया है और मिर्जा अदीब ने इसमें हमारे माशरे में पाए जाने लोगों के रवैयों पर तनकीद की है।
कि उनके जाहिर और बातिन में फर्क होता है, और इसमें एक मालदार शख्स एक गरीब मुसव्विर को मदद करने के बहाने अपने घर लेकर आता है, लेकिन उसका असल मकसद अपनी शोहरत होता है। बेटा, दिखावा इस्लाम में भी पसंद नहीं है। इस्लाम की तालीमात में खुलूस नीयत की बड़ी अहमियत है। अहमाल की बुनियाद नीयतों को करार दिया गया है, और ये जाहिर और बातन में फर्क नहीं होना चाहिए। और जाहिरी दिखावे के लिए जो काम भी किया जाता है वो हमें सुकून नहीं दे सकता। तो इस पूरे ड्रामे में यही समझाया गया है कि जो काम भी किए करें नेक नीयत से करें, तो तजम्बल ये काम सिर्फ अपनी शोहरत के लिए करता है। इसके तमाम सवाल जो बेटा आपकी नोट्स में दिए गए हैं, और मानी खुलासा क्वेश्चन आंसर, और जो नहीं दिए गए और अगर ये एक्सरसाइज में है तो इनके आपने खुद सवालों के जवाब इस ड्रामे के किरदारों के नाम पेज के फर्स्ट पेज के स्टार्ट में लिखे हुए हैं। ये मैं आगे एक्सरसाइज आपको करवा रही हूँ, करते जाएं। मंजर इनकी जमा लिखनी है, मनाजिर तस्वीर तस्वीर, बाग बागात, खबर अखबार, इनाम इनामात, तकलीफ तकालीफ। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ को भेज दिया है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्वरों के मुकाबले में ये इनाम जीता है। तुम्हें मुबारकबाद देने शेर के मोजज़ीन आ रहे हैं। सुना है कि आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। मेरे फन की बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊं। आपके तसव्वुरात का शीश महल अभी जमीन बोस हो जाएगा। बेटा, एराब जो है इनके तलफ़ आपने अच्छी तरह से पढ़ने, तजम्मुल मुसव्विर मोहताजिब मुस्तहिक एजाज मोजज़ीन एतमाम संजीदा मुआमला मोमा। आगे मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करने हैं। इसमें आपको मैं सिर्फ मुज़क्कर अल्फाज टिक करवा देती हूँ, बाकी जो मैं नहीं बोलूंगी वो मोनस होंगे। पजामा कमीज अखबार मुसव्विर मेहमान, ये मुज़क्कर अल्फाज हैं। कॉलम मैचिंग ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दफा पढ़ा देती हूँ। तजम्मल सरमायादार बाबा नौकर मिर्जा अदीब ड्रामा निगार रऊ सेक्रेटरी अख्तर मुसव्विर। अल्फाज वानी फनकार हुनरमंद शब बेदारी रात भर जागना खुशखबरी अच्छी खबर एजाज इज्जत इनाम कारनामा बड़ा काम शीश महल शीशे से बना हुआ शीशों का महल कश्मकश उलझन परेशानी नुमाइशगाह दिखाने की जगह सरपरस्ती सहारा मुसव्वर नवाज मुसव्वरों की परवरिश करने वाला ड्रामा ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है। इसके मानी है करके दिखाना। इतनी सी लाइन अंडरलाइन करें और एमसीक्यू इसके ऊपर लिख दें। मुकालमा नुवेसी मुकालमा बायमी कलाम और बातचीत को कहते हैं। बस इतनी सी लाइन को अंडरलाइन करके इसके ऊपर एमसीक्यू लिख दें। बेटा, अब ये सारा चैप्टर मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ा दिया है। अगर आप में से अब कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता है तो वो करें। आपका ये वीडियो लेक्चर नंबर 1 तैयार हो गया है। इसी यही लेक्चर आपका वीडियो की सूरत में जूम उस पर लग जाएगा। और कोई क्वेश्चन अगर आप में से करना चाहते हैं तो क्वेश्चन करें। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, मैं बच्चों से क्वेश्चन कर लूं। जी।